नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा मन हो गया कि ये वीडियो भी बना देना चाहिए ताकि मुझे आगे, मैं खुद देखूंगा इस वीडियो को अपने आगे चल के भी आगे और क्या होगा। तो ये वीडियो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अपने पिछला जो हुआ उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सिस्टम, ये माता जी के दर्शन कर लो। और ये देखिए हमने सिस्टम कैसे सेट कर रखा है खाट के ऊपर, और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर है, और उधर देखिए ऐसे मतलब मटकियाँ वगैरह ऐसे पड़े हैं, और ये हमारा है टावर, यानी कि हमारा सिम का टावर है। और दोस्तों देखिए अभी 7 या 7:30 बज चुके हैं, लगभग 7:30, क्या मैं टाइम देखकर, हाँ 15 मिनट कम है, 8 बजने को 15 मिनट कम है, और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है, या मेरे खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मुझे तो इस काम में रुचि है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल है, हर है, लेकिन वह क्या करें भाई, अपना काम है तो करना पड़ेगा। और बस आपको ये दिखाने के लिए कि ये देखिए, नहीं तो हमारे पास कोई यहाँ टेबल है, बस देखिए एक हमारे भी बाथरूम लेटरिन बाथरूम का काम चालू किया, तो इसकी एक टाइल्स बची हुई थी, इस टाइल्स के ऊपर में देखिए कैसे, ये देखिए हम माउस को इस तरीके से रख रखा है, और ये हमारा देखिए स्क्रीन, और यहाँ पे यह कीबोर्ड इधर रखा हुआ है, और ये रिमोट, और ये देखिए चार्जिंग का बोर्ड वगैरह है, सारी चीज़ें। मतलब ये एक ऐसा वीडियो है कि कुछ ना कुछ, मतलब यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। और हाल ही में हमने इन्वर्टर भी लगा दिया है, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो इसी तरीके से थोड़ा मन हुआ कि नहीं यार ये बनाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, ताकि अपने जो लोग हैं उन्हें भी पता चले, अपने खुद का भी स्ट्रगल है थोड़ा, अपन भी 2-3 साल बाद क्या अपडेट करेंगे तो वो धीरे धीरे होगा। बस बाकी इसमें यह है कि बस ईमानदारी से पैसे कमाना, ईमानदारी से जो भी करना है ईमानदारी से धीरे धीरे, और बढ़ता जाता है ईमानदारी से, थोड़ा कम मिलता है लेकिन सुकून वाला मिलता है, और बाकी टिकता जरूर है। ये चीज़ थोड़ी मैंने नोटिस करी है, तो बाकी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जो है उसमें संतुष्ट हूँ। पिछले सालों से काफ़ी कुछ मैंने मेरे लेवल के हिसाब से मैंने किया है, बाकी तो टेंशन वगैरह सब कुछ रहता ही है। और बाकी काफ़ी लोग मेरे को मेरी शादी से रिलेटेड बातें बहुत बहुत पूछते हैं, शादी से रिलेटेड कि आगे क्या होगा, क्या कुछ होगा। कई लोगों को पता भी नहीं है शादी हुई या नहीं हुई, मैं कई लोगों को बोल दिया अभी नहीं हुई है, उसके बारे में भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा करेंगे तो मैं अच्छा वीडियो बताऊँगा भी क्या है मेरी लाइफ में। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वैसे एक बार और देख लीजिए आप लोग, फिर मुझे भी काम करना है, और अंधेरा तो हो ही चुका है, वैसे इतना अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वह ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आप लोग देखिए, ऐसी हमारी ऐसी सिंगल छत है, और भी मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे देखिए पापा की साइकिल पड़ी हुई है, और बस ऐसा सा छोटा सा है, बाकी पैसे और कमाएंगे मेहनत करके धीरे धीरे, तो अच्छा सा स्टूडियो बनाने का सपना है, यूट्यूब स्टूडियो। तो क्योंकि है ना, कोई भी गेस्ट मेरे आते हैं तो मेरे गेस्ट आराम से मेरे यहाँ ऊपर बैठ जाए, मेरा जो भी क्या सा हॉल रहेगा उसमें बैठ जाएंगे, तो सपने हैं, मतलब कि उनको क्या ना, कोई बात करते हैं तो वह थोड़े फैमिली वाले सभी रहते हैं, लेकिन तो भी कोई डिस्टर्ब ना हो, अपना पर्सनल रूम रहेगा तो बढ़िया लगेगा, देखते हैं कब क्या होता है। लेकिन ये तो बस सपने हैं, लेकिन सपने देखने जरूरी भी होते हैं, और सपने सच भी हो सकते हैं, हाँ होंगे सच हो सकते नहीं होंगे, और इतने सारे तो किए ही है मैंने, इतना सारा तो अचीवमेंट किया ही है, और भी कर लूँगा कोई बात नहीं, बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार चाहिए, और आई लव यू आप सभी को, थैंक यू सो मच गाइस। ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रह जाता हूँ, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ मेरे को है ना, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं भाई हम फ़ोन नहीं कर पाते, लेकिन आपके ख्याल में बहुत आते हैं, तो भाई ख्यालों में मेरी याद आ जाती है तो बहुत हैं, लेकिन देखिए फ़ोन की तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है। चलिए गाइस, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल चुका हूँ, लेकिन ठीक है जो भी है ठीक है, बस कर रहे हैं काम, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरी उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी शादी का जो भी है क्या सिस्टम है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और आगे क्या होगा उसके बारे में भी आप लोग देख लेना, आपके हिसाब से निर्णय आपके हाथ में, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।